आज जो शख्सियत हमारी वीडियो का मौजू है वो है रऊफ खालिद। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। रऊफ खालिद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल स्टडीज लोक विरसा इस्लामाबाद के बानी सदर और चांसलर थे। वो कश्मीर पर मबनी हुब्बुल वतनी पर बने ड्रामों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने टीवी और फिल्म में बतौर अदाकार भी काम किया। इनके अलावा रऊफ खालिद मुसव्विर, नगमा निगार, मुकर्रर और माहिर तालीम थे। इनकी पेंटिंग्स न्यूयॉर्क में वर्ल्ड फाइन आर्ट गैलरी और क्रेट यूनान में ओमा आर्ट गैलरी में नुमाइश के लिए रखी गई थीं। वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर के तालिब इल्म रहे। 1979 में उन्होंने पीटीवी क्वेटा सेंटर से पीटीवी की थ्रिलर 7 किस्तों पर मुश्तमिल सीरियल, जिसमें मंशियात की स्मगलिंग को बेनकाब किया गया था, उसको लिखा और जुज़वी तौर पर हिदायतकारी भी की। 1991 में उन्होंने गेस्ट हाउस लिखा, एक 52 एकसात पर मुश्तमिल मजाहिया सीरीज जो पीटीवी के लिए एक मकबूल कॉमेडी सीरीज साबित हुई थी। गेस्ट हाउस ड्रामे की सेटिंग इस्लामाबाद के एक पोच इलाके में वाकई गेस्ट हाउस के नाम से एक ख्याली गेस्ट हाउस में की गई थी। इसे जनाब शमीम और इनकी अहलिया, 3 मुस्तकिल मुलाजमीन नवीद, मुराद और रैम्बो की मदद से चला रहे थे। हर किस्त का आगाज नए मेहमानों की आमद और इनके मजाही और अलमनाक हालात में गेस्ट हाउस के मुलाजमीन की शमूलियत से होता था। तकरीबन तमाम एक साथ मेहमानों के मसाइल के हल के साथ ख़त्म होती थी, जो बहुत आसानी से मददगार मुलाजमीन और गेस्ट हाउस के हिचकिचाते मालिकान की मदद से हल होते थे। प्लॉट एपिसोड में गेस्ट हाउस के चौकीदार जान रैम्बो का बहुत ड्रामाई अंदाज में तारुफ कराया गया। उन्होंने राइफल या मशीन गन की तरह चौकीदार का वाइपर पकड़ रखा था और सनसनी खेज बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। कैमरा इस तरह हरकत करता था कि मंजर के आगाज में वाइपर दरअसल राइफल की तरह दिखाई देता। बाद में पता चला कि जॉन रैम्बो कॉकरोच कलर हॉलीवुड फिल्म फर्स्ट ब्लड के मरकजी किरदार से मुतासिर थे। रैम्बो का किरदार फौरी तौर पर हिट हुआ और इसने सीरीज की मकबूलियत में अहम किरदार अदा किया। प्रोड्यूसर प्लॉट एपिसोड के बाद किरदार को हटाना चाहते थे, लेकिन इसकी कामयाबी ने इन्हें दूसरी सूरत में फैसला करने पर मजबूर किया। एक प्रोड्यूसर ने टीवी पर एतराफ़ भी किया था कि प्लॉट एपिसोड्स में रैम्बो की कामयाबी के बाद हर एपिसोड तवज्जो का मरकज रही। आइए नज़र डालते हैं रऊफ खालिद की इब्तदाई ज़िंदगी पर। रऊफ खालिद ने जब वह भी कॉलेज के तालिबे इल्म थे, रेडियो पाकिस्तान के लिए लिखना शुरू किया। एक साबिक फौजी और ब्यूरोक्रेट, उन्होंने पिशावर में तालीम हासिल करने के बाद फिल्मों और टेलीविजन ड्रामों में काम किया। 1991 में गेस्ट हाउस लिखने के बाद 1995 में रऊफ खालिद ने 15 किस्तों पर मुश्तमिल सीरियल अंगार वादी की हदायतकारी की, जिसके लिए वो लिखने के अलावा एक अदाकार और प्रोड्यूसर भी थे। 1998 में खालिद ने एक 27 एकसात पर मुश्तमिल सीरियल बनाया, जिसको उन्होंने लिखा भी, हिदायत भी किया, प्रोड्यूस किया और अदाकारी भी की। 2003 में रऊफ खालिद ने अपनी पहली फिल्म लाज रिलीज़ की, अगरचे मुबैना तौर पर इसने बॉक्स ऑफिस पर ख़राब कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था, लेकिन इसने 12 बोलान अवार्ड्स, 14 ग्रेजुएट अवार्ड्स, 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और लक्स स्टाइल अवार्ड्स जीते। 2007 में रऊफ खालिद ने लोक विरसा शकरपणिया इस्लामाबाद में टीवी और फिल्म डायरेक्शन का कॉलेज कायम किया। वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल स्टडीज इस्लामाबाद के चेयरमैन थे। 2008 में खालिद ने अपना तीसरा टेलीविजन सीरियल मिशाल बनाया, जिसके लिए उन्होंने मुसन्निफ, हिदायतकार और प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया, जिसे पाकिस्तान में मंगल की शाम को कौमी टीवी नेटवर्क पर पीटीवी होम ने टेलीकास्ट किया था। रऊफ खालिद की शादी सेनेटर रुबीना खालिद से हुई थी। रुबीना खालिद एक पाकिस्तानी सियासतदान हैं, जो मार्च 2012 से सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रुकन हैं। वो इस वक्त सेनेट कमेटी बरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन की चेयरपर्सन हैं। रुबीना खालिद ने खैबर लॉ कॉलेज पेशावर से बैचलर ऑफ लॉ किया है। वो 2012 के पाकिस्तानी सेनेट के इंतखाबात में
खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुंतखब हुई थी। वो 2018 के पाकिस्तानी सेनेट इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा से ख्वातीन के लिए मखसूस नशिस्त पर पीपीपी की उम्मीदवार के तौर पर दोबारा सेनेट के लिए मुंतखब हुई। उन्होंने 12 मार्च 2018 को बतौर सेनेटर हल्फ उठाया। रऊफ खालिद सूबाई वजीर सैयद जफर अली शाह के दामाद और सूबाई वजीर सेहत सैयद जाहिर शाह के बहनोई थे। रऊफ खालिद 24 नवंबर 2011 को शेखुपुरा के करीब ट्रैफिक हादसे में 53 साल की उम्र में इस वक्त इंतकाल कर गए जब वो M2 मोटरवे के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे थे। पसमानदगान में इनकी अहलिया रुबीना खालिद, दो बेटे और एक बेटी शामिल हैं। इनकी नमाज जनाजा पिशावर खैबर पख्तूनख्वा में अदा की गई थी। मार्च 2012 में पाकिस्तान की लोक विरसा ने इन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का अहतमाम किया जिसमें वजीर मवासलात अरबाब आलमगीर खान, सेनेटर सईदा इकबाल और सैफुल्ला बंगश ने शिरकत की थी। रऊफ खालिद को अपनी ज़िंदगी में बेहद अवार्ड से नवाजा गया था। उनको द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड, जिसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी कहा जाता है, 1995 में मिला था। उन्हें द कश्मीर मेडल से भी नवाजा गया था, जो वजीर आजम पाकिस्तान का खसूसी अवार्ड है। ये अवार्ड उन्हें कश्मीरी लोगों की जिंदगी पर ड्रामे बनाने के लिए दिया गया था। उन्हें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट राइटर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए बोलान अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रिप्ट के लिए ग्रेजुएट गिल्ड अवार्ड भी मिल चुका था। इन तमाम अवार्ड्स के साथ साथ वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स और नेशनल पाकिस्तान अवार्ड के भी हामी हैं। तो नाजरीन, ये थी रऊफ खालिद की सवाने हयात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।